रिलीज होने जा रही है मिस्टर इंडिया 2 और लोग हो रहे हैं उतावले कि क्या ये मिस्टर इंडिया 2 होने वाली है 1987 में रिलीज हुई अनिल कपूर और श्रीदेवी की ब्लॉकबस्टर फिल्म मिस्टर इंडिया का सीक्वल या फिर ये होने वाली है बिल्कुल नई फिल्म। दोस्तों अगर ये फिल्म मिस्टर इंडिया की सीक्वल हुई तो डायरेक्टर के ऊपर रहेगा काफी ज्यादा प्रेशर, क्योंकि मिस्टर इंडिया के जैसी एक क्लासिक फिल्म का सीक्वल बनाना आसान काम नहीं है। मिस्टर इंडिया 2 अगर इसी फिल्म का सीक्वल है तो इसके टाइम गैप को भी ध्यान में रखना होगा, स्टोरी को भी उसी तरह सेट करना पड़ेगा। ये फिल्म बन सकती है कोई सुपर हीरो फिल्म भी। मिस्टर इंडिया में जैसे दिखाया गया था कि अनिल कपूर के किरदार को इनविजिबल होता हुआ, शायद उसी को हम एक बड़े लेवल पर देखने वाले हैं मिस्टर इंडिया 2 में। यहाँ पर भी हीरो कौन है उसके आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा, जनरली जैसे सुपर हीरो फिल्म्स में होता है, मगर इस फिल्म में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जो ये मिस्टर इंडिया की आइडेंटिटी लेकर सबकी मदद करें। लेकिन इसी सब के बीच में फिर से हुई है एक कॉन्ट्रोवर्सी। 1987 में रिलीज हुई मिस्टर इंडिया फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर है ना खुश मिस्टर इंडिया 2 की वजह से, और इसके साथ जुड़ा है नाम अली अब्बास जफर का भी। तो आखिर क्या है मसला जिसकी वजह से नाराज हुए हैं शेखर कपूर? तो हम आपको बता दे दोस्तों कि अली अब्बास जफर बना रहे हैं एक ट्रायोलॉजी जिसका नाम भी यही होने वाला है, और इसी बात से खफा है शेखर कपूर। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा है कि सिर्फ वीकेंड्स पर सीट्स और नाम खरीदने के लिए ये नाम अली अब्बास ने रखा हुआ है, लेकिन अली अब्बास ने ये भी कहा है कि ये फिल्म जो है वो होने वाली है 1987 के मिस्टर इंडिया से पूरी तरह अलग। इस फिल्म की स्टोरी, कास्ट, सॉन्ग सब होने वाले हैं ब्रांड न्यू, मगर इससे भी नहीं है संतुष्ट शेखर कपूर, और इनडायरेक्टली अपने बयानों से वो सबको ये बताना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हो सकते हैं लीगल केस भी। शेखर कपूर बता रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और उन्हीं के फिल्म के नाम से दूसरे किसी फिल्म फ्रेंचाइजी का नाम हो ये उनकी अनुमति के बगैर कैसे पॉसिबल है। ना ही उनसे या उनके किसी फिल्म के किसी एक्टर से अली अब्बास जफर ने ये बात शेयर की, जिसकी वजह से शेखर कपूर सोच रहे हैं कानूनी घर में दस्तक देने का। ये कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का मामला है जिसकी वजह से अली अब्बास को फिल्म के रिलीज होने के पहले से ही दे सकता है बड़ा धक्का। तो क्या अली अब्बास के इस फिल्म के रिलीज होने से पहले अपना मान बचाने के लिए शेखर कपूर बनाएंगे मिस्टर इंडिया 2, जो कि होगी 1987 की मिस्टर इंडिया की सीक्वल? ये तो वक्त ही बता सकता है, और जब वक्त आएगा तब हम भी हाजिर होंगे आपके सामने लेकर ये न्यूज। तो हमें रहेगा इंतजार मिस्टर इंडिया 2 के लिए, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज, जहां मिलती है फिल्मी वर्ल्ड से जुड़ी हर एक खबर।